करने वाली कोई बात नहीं है, आराम से तुमने इतना अच्छा प्रिपरेशन कर रखा है, बस कंटेंट पे थोड़ा सा काम करो, तुम्हें नॉलेज होती है, नॉलेज में भी नॉलेज होने के बावजूद भी तुम दोनों वहाँ पे क्या लिख कराते हो, तो क्या लिख दोगे इज़ आर एम वाज़ वर शैल विल, ये सब क्या होगा, लैंग्वेज मत लिख कर आना, ठीक है, सिंपल इधर की डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग एज वी नो दैट, तो ऐसी लैंग्वेज मत लिखना, प्रॉपरली जो टर्म यूज हो रखे जो नोट्स दिए हैं याद करना है भाई, साइंस के अंदर याद करना होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि चलो बनाकर आओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे लेकिन आधे नंबर कटेगा पक्की बात, तो इसलिए तुम्हें कुछ चीजें याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है, क्लैरिटी के साथ एकदम प्रॉपरली मेंटेन करना, अच्छा, और ज्यादा अंधविश्वास मत करना कि कुछ लोग चले गए धूपबत्ती लेके चले गए माथे पे घंटी लेके चले गए पूजा कर रहे हैं एप्पल भी खाओगे और पेपर भी मन के अंदर रखना जो भी है, और सेंटर पे जाके ज्यादा स्मार्ट मत बनना, कुछ लोग सब कुछ पढ़ने चले गए और दूसरे को तेरा कुछ याद किया ये आ रहा है पेपर के अंदर, तो खुद तो नेगेटिव हो ही गए, उसने बोल दिया कि नहीं नहीं ये वाला आ रहा है, तो वहां पे जाके तुम चलो खुद पॉजिटिव रहेगा, तुमने दूसरे को नेगेटिव कर दिया, तो ज्यादा स्ट्रेटजी मत दिखाना, इससे तुम सारी एनर्जी दूसरे को नेगेटिव करने में निकाल दोगे, तो पेपर में क्या करोगे, आराम से पॉजिटिव पीस ऑफ माइंड लेके जाओ, तो पीसफुल रहोगे तो पेपर अच्छा करो, पेपर होने के बाद जितना गंद तुम्हें मचाना है मचाओ, ये भी किसी वीडियो में आ रहा है, ये भी वीडियो में आ रहा है, तो इसीलिए चुप रहो, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, कभी कभी कुछ क्वेश्चन के अंदर तीन तीन पार्ट पूछे होते हैं, तो तुम बस पहला पढ़ते हो एक्साइटमेंट में आके, पहला पढ़ दिया।